जैन स्टूडेंट्स, होप यू डूइंग ग्रेट स्टूडेंट्स। हम फाइनल हैं एडजेक्टिव के, फैग एंड पे हैं। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस विद यू। सो अब हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रीइंफोर्स हो जाएंगे, ठीक है। द फ्लावर स्मेल स्वीटली, नोवर रेडी। The flowers smell sweetly. सुन, देखिए पहले तो ये स्मेल, अगर आपको याद हो, स्मेल एक स्टेटिव वर्ब है और जहां पे स्टेटिव वर्ब होगा, ये हम कर चुके हैं, वहां पे एडजेक्टिव होगा, नॉट एडवर्ब। सबसे बेसिक चीज हमने की थी, ठीक है। The flower smells sweet. So, एक चीज याद रखना, आपने ये देखना है कि ये स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ हमेशा एडजेक्टिव लगेगा, ठीक है। जैसे ये देखो, आमला टेस्ट सार। अच्छा, एक चीज हमने और की थी कि आपका जो स्टेटिव होता है वो आईएनजी नहीं लेता, तो वो भी कॉन्सेप्ट यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। पर ये देखो, सो बर्ड्स सिंग ब्यूटीफुली। अब सिंग जो है ना, वो एक एक्शन वर्ब है, फिर ब्यूटीफुली आ गया एडवर्ब। सो याद रखना, स्टेटिव वर्ब के साथ हमेशा एडजेक्टिव आएगा, और अगर वो एक्शन वर्ब है तो एडवर्ब आएगा। ये हम एडवर्ब में भी करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब मैंने आपको बताया काफी इंटरलेटेड है, काफी कॉन्सेप्ट। सो आप आराम से कर पाएंगे फिर, ठीक है। अभी के लिए आप इतना देखिए बस। Harry is inferior than Rama in intelligence. Students, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो एडजेक्टिव ओ आर में एंड करते हैं ना, वो हमेशा अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेते हैं, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, हमने किया था ना, पोस्टीरियर, ये सारे के सारे अपने साथ टू लेते हैं, तो यहाँ पे दैन नहीं, टू आएगा। बड़ा ईजी था, सीधा का सीधा है। ये देखो, इन्फीरियर ओ आर में एंड कर रहे हैं एडजेक्टिव, तो टू लेगा ये। विच इज द चीपेस्ट ऑफ द टू, चीपेस्ट ऑफ द, देखो दो चीजें हैं ना, तो चीपेस्ट क्यों आएगा, चीपेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, चीपर आएगा, कितना इजी है ये। दो के लिए हम थोड़ा ना, हम कंपैरेटिव यूज करेंगे, सुपरलेटिव थोड़ा ना यूज करेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन एनी सिटी इन इंडिया। ये हमने कितने किए थे, देखो, पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर दैन एनी अदर सिटी। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको भी इंक्लूड कर रहे हैं बीच में, हमने इसको अलग रखना, बाहर निकालना है तो मदद लगाए, तो हमने क्वेश्चंस किए थे। गोल्ड इज प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, याद है आपको, ये देखो, गोल्ड इज प्रेशियस than any other metal. अगर हम अदर नहीं लगाते तो गोल्ड में भी, गोल्ड को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम ऐसा, तो हमने इसको बाहर निकालना है, इसको कहना है ये उनसे ज्यादा प्रेशियस है, तो अदर लगा दिए। दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि अपने साथ एग्जिबिट नहीं करते हैं डिफरेंट डिग्रीज, उसमें यूनिक भी है, तो मोस्ट यूनिक नहीं आएगा, इट इज अ यूनिक थिंग बस। और आइडियल, परफेक्ट आया ना, ट्रेमेंडस याद, ट्राइंगल, स्क्वायर, सब ये वर्ड्स हैं, यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, ट्रेमेंडस, ट्राइंगल, स्क्वायर, ये सब अपने साथ एग्जिबिट नहीं करते हैं डिफरेंट डिग्रीज, ठीक है। तो दिस इज अ यूनिक थिंग आई हैव सीन, सिर्फ
सेल्डम हैड द लिटिल टाउन सीन अ मोर कॉस्टलियर फ्यूनरल. सेल्डम के साथ इन्वर्जन लगता है तो ये तो सही है बिल्कुल. ठीक है, लिटिल टाउन सीन अ मोर कॉस्टलियर. अब मोर कॉस्टली देखो, अब मोर मोर देखो, मच मोर मोस्ट ये फॉर्म्स होती हैं, तो ये तो ऑलरेडी कंपैरेटिव है, तो फिर ये भी कंपैरेटिव है, ये नहीं लगेगा यहाँ पे. सेल्डम हैड द लिटिल टाउन सीन अ कॉस्टलियर फ्यूनरल, बस फिर अ मोर नहीं आएगा, अ कॉस्टलियर, क्योंकि दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव मैंने आपको बताया था, ये रूल है कि दो कंपैरेटिव और दो सुपरलेटिव कभी नहीं आते एक सेंटेंस में, तो दो नहीं आएंगे, सिर्फ आएगा सेल्डम हैड द लिटिल टाउन सीन अ कॉस्टलियर फ्यूनरल. वो भी कंपैरेटिव तो नहीं आ सकता, दो कंपैरेटिव इकट्ठे नहीं आ सकते. नो लेस देन 50 माइनर्स वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन. नो लेस देन 50, सुन लेस देखो, लिटिल वगैरह जो होते हैं ना अन उसके लिए लगते हैं अपना अनकाउंटेबल के लिए. सो काउंटेबल, ये देखो ये काउंट कर सकते हैं ना, 50 माइनर्स हैं ये तो काउंटेबल है, तो नो फ्यूअर यहां पे आएगा, नो फ्यूअर देन आएगा यहां पे, फ्यूअर आएगा. फ्यू हम यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, तो नो फ्यूअर देन. अच्छा देन लगाया तो कंपैरेटिव तो मैं लगाना ही है, देख लो देन के साथ कंपैरेटिव लगता है तो यार लगा दिया आपने. Of the three, tea, coffee and cocoa, the latter is favorite. तीन में कर रहा ना, of the three, तीन में से ये latter नहीं है, last आना चाहिए, आखिरी वाला. मुझे इन में से ये, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, last आना चाहिए, latter नहीं आना चाहिए. तो sequence की जरूरत है ना next वाला, तो तीन में आप कर रहे हो तो the last is his favorite, last आना चाहिए, आखिरी वाला. We happen to meet at the house of a mutual friend. We happen to meet. So, friend mutual नहीं होता. Mutual मैं आपको बता दूँ, understanding होती दो लोगों के बीच में, common friend. Common आएगा यहाँ पे. Shared by many. Common होता है shared by many. बड़े easy questions हैं. आप बस वो videos में rule देखिए, सारे हो जाएंगे आपके. Few words spoken in earnest will convince him. अब देखो few तो negative है, few तो negative है, मुझे इसको positive करने a few लगाना पड़ेगा, क्योंकि a few जब भी मैं आर्टिकल लगाता हूँ इनके आगे ये positive होते हैं. Few का मतलब तो negative होता है, almost negligible, ये तो negligible होता है. कुछ तो बोलूँगा ना मैं words. His written statement differs in several important respects from his verbal statement. सुन याद रखना, verbal statement नहीं होता, oral statement होता है. Word by word जब हम बोलते हैं, ठीक है, written का opposite क्या होता है? Oral होता है, verbal नहीं होता, ये बड़ा important है. रिटन का ऑपोजिट ओरल होता है, वर्बल नहीं होता. एंटोनिम है इसका ऑपोजिट.
ये कहता है जॉन इज माई ओल्डर ब्रदर। देखो अब मैंने उस दिन भी आपको बताया था, देखिए जब फैमिली में होता है ना तो हम एल्डर, एक फैमिली में ब्लड में एल्डर लगाते हैं। ओल्ड होता है बिल्डिंग्स के लिए, लोगों के लिए भी लगता है, बिल्डिंग्स के लिए भी लगता है, ओल्ड लगता है बिल्डिंग के लिए भी और लोगों के लिए भी, बट जब सिर्फ फैमिली में बात करें तो एल्डर लगेगा, ओल्डर लगेगा। दिस बिल्डिंग इज ओल्डर दैन दैट बिल्डिंग, ठीक है, दिस बिल्डिंग इज ओल्डर दैन दैट बिल्डिंग। और एल्डर, अब मैं आपको एक बता दें, एल्डर टू लगता है लेता है और ओल्ड दैन लेता है। सो ये लोगों के लिए भी लगता है, बिल्डिंग्स के लिए भी लगता है, पर एल्डर जब आपने स्पेसिफिकली फैमिली की बात करनी है, ब्लड की बात करें तो एल्डर लगेगा। आफ्टर दिस ही मेड नो फार्दर रिमार्क्स। ये भी स्टूडेंट्स हमने किया था फार्दर, देखो ये तो डिस्टेंस के लिए यूज होता है, ये तो डिस्टेंस के लिए यूज होता है ना फार्दर, यहां आना चाहिए फर्दर, नेक्स्ट यहां पे ये आना चाहिए फर्दर, आगे कोई उसने रिमार्क नहीं किया, यहां पे फर्दर आएगा, फार्दर नहीं आएगा। आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, आगे नहीं उसने कुछ बोला, यानी आगे उसने कुछ नहीं बोला, आगे की तो मतलब होता है फर्दर का, फार्दर फर्दर। रिच नो नॉट हाउ द पुअर लिव, याद आया आपको, ये देखो इनडायरेक्टली ये द रिच पीपल है, मैंने को बताया था, तो ये एडजेक्टिव होता है, यहाँ पीपल ही होता है ना, अंडरस्टूड है, ये पीपल तो नाउन होता है, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है कैसे लोग पुअर लोग। और ये रूल है कि इसके आगे हमेशा द आर्टिकल आता है, तो रिच भी तो एक क्लास है, यहाँ भी तो लोग हैं, ये भी तो रिच पीपल है, ये भी एडजेक्टिव है, तो यहाँ भी द आएगा, द रिच नो नॉट हाउ। अब मैं आपको सिंपल सा याद है आपको मैंने एक सेंटेंस बताया था, द रिच ऑफ्टन हेट्स द पुअर, ये देखो द रिच ऑफ्टन हेट्स द पुअर, ठीक है, ये भी एक क्लास है, ये भी क्लास है, ये क्लास इसको नफरत करती है, ठीक है, दोनों में द द आएगा। दिस कैंडी इज प्रेफरेबल देन दैट एंड इट्स टेस्ट इज ऑल्सो कंपेरेटिवली गुड। स्टूडेंट याद करो प्रेफर प्रेफरेबल, प्रेफर प्रेफरेबल, ये अपने साथ ऑलवेज टू लेंगे, दैन नहीं लेंगे, यहाँ पे टू आएगा। दिस कैंडी इज प्रेफरेबल टू दैट एंड इट्स टेस्ट इज ऑल्सो कंपेरेटिवली गुड। अच्छा चलो इसमें है नहीं, ये भी याद है आपको मैंने बताया कंपेरेटिवली, ये अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री होती है, इसके साथ हमेशा पॉजिटिविटी आती है, ये बिल्कुल सही है। तो साथ साथ ये भी रिवाइज कर लो, रिस्पेक्टिवली कंपेरेटिवली मैंने बोला था ऑलरेडी, कंपेरेटिव डिग्री होती है, इसके साथ कंपेरेटिव नहीं आता, पॉजिटिव डिग्री आती है, तो ये भी सही है, साथ साथ रिविजन कर लो। बाकी आप प्लीज रूल्स को रिवाइज करते रहिए, ठीक है, सारे देख लो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से, ठीक है। आई एम प्लानिंग कि मैं आपके लिए ऐसे एक मिसलेनियस बनाऊंगा बाद में, मिसलेनियस में क्या होगा वो पता नहीं होगा किस चीज कह रहा है, तो बहुत आपका दिमाग चलेगा, तो मिसलेनियस भी बनाएंगे। फिलहाल आप रूल्स रिवाइज करो, वीडियो देखते रहो मेरी, और ये क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट प्रॉब्ली यस एडवर्ब ही शुरू करने, क्योंकि एडजेक्टिव एडवर्ब साथ बाय साथ करते हैं तो बढ़िया रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको प्लीज आप देख लेना एक बार, फिर एडवर्ब शुरू करते हैं, उसके बाद में एक बार लास्ट में फिर आपको थोड़ा सा जो कंफ्यूज करते हैं ना दोनों में चीजें वो बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो थैंक यू फॉर योर पेशेंस।